एक पलक में राज छोड़ दिया, अपनी लुगाई को छोड़ दिया, दासिया कामदार नौकर चाकर हाथी घोड़ा छोड़ दिया, रत पालकिया छोड़ दी, सोना चांदी छोड़ दिया, बिछावड़ा छोड़ दिया, पतरना ओढ़ने बिछौने माचा गुदना छोड़ दिया, एक पलक में राजा भर्तृहरि ने उसको हुआ था वैराग्य। तुम आत्मा समझावे आदु पुरुष ने जाओ संतान शीश ने वो आदु पुरुष माल खेत बाबा अपना कुल देवता तेजाजी महाराज बीगोजी महाराज बाबूजी महाराज झुंझारजी महाराज भूमियाजी महाराज जको भी अपना कुल देवता बा ने याद रखा। यदि अपना इष्ट मजबूत है तो दुनिया अपने कौन डिगा सके, इष्ट चला गया तो सजनों दुनिया पर माता गुलाम कर दे। जिसका इष्ट पक्का है उसको कोई गिरने वाला नहीं है, इष्ट ही नहीं है। अब कई अट बैठा जगह ध्यान ही कौन कुल देवता कौन है अपना, कई मैं टाबर ने पूछा जागरण में जावा थारी कुलदेवी कौन है, बोले मारी मम्मी। बहुत बढ़िया, उन बच्चों को पता ही नहीं कुलदेवी कौन है, क्यों भाई मम्मी वो मोटी कुलदेवी देखी कौन है, रसोई में मम्मी बारी मम्मी माई मम्मी कुलदेवी भाई है मेरी मम्मी, कुलदेवता कुलदेवता तो मेरे पापा है, पापा ही है, नरेगा में जावे रफ्तो लिया चौकड़िया खोदे नरेगा में। तो अपने कुल देवता को हमेशा याद रखे, अपने इष्ट देव को हमेशा याद रखे कि जिस कौम में अपना जन्म हुआ है उसका एक कुल देवता होता है। और कुल देवता जी खुंटो मजबूत हुए ना, खुंटो समझो खुंटो, खुंटो जानोगे खुंटो, खुंटो ये नहीं अपना कुल देवता को खुंटो, ये मालकेत बाबा का खुंटा है, ढाणी को खुंटो मालकेत बाबा। मैं पूछियो मालकेत बाबा कौन है, वो तो बहुत पुराना बाबा जो पशुआ खातर है दनबित खातर है, ढाणी में 3 बार आग लागी और बताया गया अपना मालकेत बाबा माने उजागर करो, ये मालकेत बाबा उजागर भी आज नगरी में सुख शांति है ना, राम राजी है चारों तरफ, 100-150 परिवार आ गया डाणी है, सब राम राजी है। ओ है खुंटो यार, आप सालों सालों जागरण दे रहे हो ना, ये डोगरो राजीव है, ओ डोगरो राजीव है, आशीर्वाद की ना मिले जिसको, जिस बिजली घर में ट्रांसफार्मर चौक होवे जन लाइट कट जावे, ट्रांसफार्मर मजबूत हुई लाइट कटे जाए गांव में, ये ट्रांसफार्मर ही बोलियोड़ो भेजना गांव पूरा अंधारा में, ये ट्रांसफार्मर है, ये मजबूत है तो पूरी नगरी में चांदनो है, और यही मजबूत नहीं है अरे रखवाली नहीं कर सका तो सजनो पजो पहले टावर अमेरिका में पढ़ो चाहे रूस में पढ़ो यार चाहे जर्मनी में पढ़ो साहब कोई फायदा होने वालो नहीं है। तो महात्मा लोगों ने कहा पर धन दूड़ कर जानो, पराय धन अपने काम को, पराय धन में कभी नीत खराब मत करना, और जिस आदमी ने पराय धन में नीत खराब की है वो धन हमेशा मूल धन को लेके जाता है। यदि आपने किसी का 2 रुपया खाने की इच्छा की, 2 रुपया आपका खाऊंगा तो मेरे 100 रुपये 102 रुपये, आपका 2+100 मेरा 102। आगे कोई भाई साहब सुनियो, एक मिठाई रो भरियोड़ो पिंपो बस में चढ़ायो, मिठाई को पिंपो बस में चढ़ायो कि ओ पिंपो मारो लोसल में उतरनो है, पिंपो चढ़ायो दाता रामगढ़ू यार पिंपा ने उतारनो लोसल में, पिंपो रख दियो ड्राइवर का ना, बोले ड्राइवर साहब ये पिंपा लोसल में उतरेगा, बोले ठीक है भूल बस लोसल में पिंपो उतार बाड़ो, गाड़ी पहुंच गई शिखर डीडवाना नागौर गई, नागौर उपाची आई तो ही पिंपो नहीं उतरियो, 2 दिन पिंपो बस में घूमतो रियो, बस वालो मालिक की ओरे पिंपो पड़ियो है कुण को है, वो ड्राइवर कैसा पिंपो में तो एड्रेस नहीं है न कोई कांटेक्ट नंबर है, आवेर जावे कोई ले जावे कोई, बस रुकी सामरा मालिक रे घरा मालिक यो खोलो पिंपा, पिंपा ने खोलियो पिंपा मुकाय निकलो काजू कतली रसगुल्ला गुलाब जामुन केवर बर्फी नुक्ती चक्की जलेबी हजार मिठाइयां दबा दबा भरियोड़ी, मोटर मालिक यो रे पागल वेगा इतनी महंगी मिठाइयां यार यही बस में लिए घूमो जिम लो जिम लो पड़ोस बसाला जिमा दो कॉलोनी में जिमाओ बासवाड़ी में जिमाओ सबा ने थोड़ी थोड़ी मिठाई बांट दो बांट दो, ये प्रसाद है कोई खाटू श्याम जी को पूरी मिठाई थोड़ी थोड़ी सब जना किलो किलो दो दो किलो कॉलोनी में पूरी ढाणी में बांट दी। 3 दिनों पिंपारो धनी आयो लोशन में जालो दियो बस रुकाई भाई साहब
परशु पीपर क्यों ना वश में परशु पीपर क्यों पीपो कटे क्यों पीपो आप रो बोले पीपो मारो बोले पीपो तो मैं जिम गा और दूजी बसाड़ा इष्टा मान जिमा दियो और बाकी बच्चों कॉलोनी में बांट दियो भाई गनाइता में बांट दियो रिश्तेदार बांट दियो वो पिंपारो धोनी के रो लिया क्यों क्यों तीन दिन वो मिठाई भेली करी तीन दिन लगा मैंने मिठाई भेली करता बोले कटो भेली करी क्यों मैं बर्तन मांज वाला हूं एक एक टुकड़ा चुक चुक थाले रे मनु एंटीडो यार पिंपो भेड़ो करियो थे कॉलोनी में बांट दियो मैं रो लिया क्यों बस एंटीडो खाओ तो पराए दिन में नींद खराब करोगे तो जुटा ही हाथ आएगा क्यों मैं तो बाण माज बड़ो हूं तावड़ा में घणो दरो भेड़ो करियो थालिया में एंटीडो आवे ना जुटो चुक चुक र पिंपो भेड़ो करियो यार थे अगला गिद कर क्या बात पर दिन पराया दिन अपने काम का नहीं पराए दिन में नींद खराब करोगे तो सुनो यही कंडीशन होगी कई लोग सोचा करे कि मारे 5 रुपए की मजदूरी के कारण मेरा कमीशन खा जाओ कमीशन के चक्कर में सुनो या तो औलाद बिगड़ेगी और या फिर अपना मूलधन जाएगा या तो घर में नुकसान होगा बीमारी आएगी या फिर औलाद अनसक्सेस होगी क्योंकि कमीशन का पैसा कभी पेट में जाने वाला हजम ही नहीं होगा पैसों घर में वही टिकेला जिस पसीने में पैसों कमाने में अपनो पसीनो चालियो कपड़ा अपना गीला भैया वो पैसों घर में टिकेला कई लाखों लोगों को मैंने देखा साहब जो कमीशन का पैसा खाते हैं तीन दिन राजीव है चार दिन राजीव है स्कॉर्पियो ले आई फॉर्च्यूनर ले आई पर बचीड़ो लागे सर साहब इंश्योरेंस वाला कहे नो क्लेम क्यों नो क्लेम क्योंकि उन्होंने गरीब का पैसा खाया है पराया धन में नीत खराब करी है पर धन दूर कर जानो पर तिरिया को मात कर मानो ये पराई माता अपने अपने से उम्र में बड़ी हो माँ के बराबर अपने से छोटी हो बहन के बराबर और छोटी हो तो बेटी के बराबर क्योंकि शक्ति है इनकी आप कदर नहीं करोगे तो सजनो शक्ति शराब देगी और शक्ति ने तो शराब दिया परमा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना रहा शक्तियों में शक्ति अनुष्य शक्ति उपदेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया परमा विष्णु महेश को ये शक्ति कम नहीं है साहब खड़े खड़े आदमी को जला देवे शक्ति है ये तो पावर है शक्ति का है क्योंकि शक्ति भगवान कहो कि मैं घर घर में नहीं जा सकूं भगवान बोलिया कि मैं घर घर में नहीं जा सकूं इसलिए भगवान ने एक मूर्ति बनाई वो है मां ये मां है धरती पर बिना खंभों के टिका उसको आसमां कहते हैं धरती पर बिना खंभों के टिका उसे आसमा कहते हैं और जिसके दिल में कभी ममता का घाटा नहीं होता उस मूर्ति को मां कहते हैं ये मूर्ति होती है मां इसका घट देखिए अब कितना पवित्र घट है बेटो कितनी रोयोड़ो आवे ना आ मां छाती रे चेपे बेटा आ मारा कने आ कौन के चोरी करायो या दाढ़ी करायो पहली छाती रे चेपी रोयो क्यों बाद में पूछी कारण और कितो ही बेटो भूखो आई तो पहली मां कही बेटा रोटी तू जिम लुगाई कौन पूछे पहली मां बोली क्यों आदमी कमाने जावे ना चार जना आदमी इंतजार करया करे शाम का घर में चार जना पहलो इंतजार करे अपना पिताजी पोल में बैठो डाक मारो बेटो नहीं आयो पहलो इंतजार पिताजी करे दूजो इंतजार छोटो टाबर के मारा पापा आवे तो मारे डेरी मिल्क चॉकलेट दूजो इंतजार वो चिंटू मम्मी पापा नहीं आया बोले अभी आ रहे इनाड़िया बस आने वाली है अभी सीबीटी आने वाली है वो इंतजार दूजो नंबर टाबरियो तीजो इंतजार कौन करे बता सको अकाले परसों आई जगो 10 लाख रो ब्याज हाँ धर्मपत्नी तीजो इंतजार करे धर्मपत्नी किता कमार लिया आया जल्दी से बैंक बैलेंस आज का हिसाब और चौथो इंतजार अपनी माँ ये बेटा मोड़ो क्यों आयो इतो लेट क्यों है बाबा जी आपने चो कर रहे हो क्या हुआ आपकी जो करुणा है मैं फीलिंग समझता हूँ क्योंकि माँ की वार्ता वही सुन सकता है जिसके घट में माँ की ममता होती है बहुत बहुत क्योंकि मैं एक ऐसा मैं इस धरती पर ऐसा बागी आदमी हूँ ओम डिगना धरती पर ऐसा बागी है जिसने कभी माँ नहीं देखी
मैंने माँ नहीं देखी माँ क्या होती है। मैं 1.5 साल का तार मामा गुजर गई उस दिन से, जिस दिन से समझ में आया कि एक माँ क्या होती है उस दिन से मैं 9 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ और सिर्फ गौ माता के लिए गा रहा हूँ। मुझे माँ बचानी है, चाहे मेरी माँ धरती पर नहीं है लेकिन मुझे माँ बचानी है। मुझे एक ही नियम है मेरा, माँ बचानी है। आपकी जो आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। तो सजनो जन्मात्मा ने कहा शक्ति तू समृद्ध गणी अजब निराला, बेश तेरे आगे झुक गए ब्रह्मा विष्णु महेश। एक माँ की महिमा सुना रही हूं आपने।